राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्रता सेनानी व महान विद्वान स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती है। देश भर में आज उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के बड़े अनुयायियों में से एक थे और वकालत के माध्यम से लगातार किसानों और गरीबों के लिए गुलाम भारत में आवाज उठाते रहे थे। चंपारण आंदोलन के दौरान भी इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले में संस्कृत के विद्वान महादेव सहाय श्रीवास्तव के घर हुआ था। राजेंद्र अपने विद्यार्थी जीवन से ही कुशाग्र थे और यहाँ तक कहा जाता है कि उनकी बुद्धिमता से प्रभावित होकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनकी उत्तर पुस्तिका पर परीक्षक ने एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है, लिख दिया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर पूरा करने के बाद बिहार में वह अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे और वहां प्रिंसिपल के पद तक भी पहुंचे, जिसके बाद वह फिर कलकत्ता लौटे और कानून की पढ़ाई में तत्पर हो गए। 1915 से वकालत शुरू करने के साथ साथ वह कांग्रेस की गतिविधियों में भी भाग लेते रहे थे और इसी दौरान महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात कांग्रेस के 1916 में आयोजित लखनऊ अधिवेशन में हुई। इस मुलाकात के बाद प्रसाद पूर्ण रूप से सत्याग्रही हो गए और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए 1920 तक उन्होंने विश्वविद्यालय और वकालत के अपने कैरियर को तिलांजलि दे दी। आंदोलन के दौरान उन्होंने सर्च लाइट और देश अखबारों के लिए कई लेख लिखे। प्रसिद्ध विद्वान राहुल सांकृत्यायन से भी उनकी मुलाकात हुई और राहुल उन्हें जीवन भर अपना गुरु मानते रहे। 1930 के दशक में प्रसाद कई बार जेल गए और लगातार देश के लिए कार्य करते रहे। इस दौरान 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव लाने के कारण कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें प्रसाद भी शामिल थे। प्रसाद ने इसके अतिरिक्त 1946 की अंतरिम सरकार में कृषि मंत्रालय का पद भी संभाला और आज़ादी के बाद वे भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने 12 साल लगातार देश के राष्ट्रपति की गरिमा में भूमिका निभाई और इस दौरान कई महत्वपूर्ण कानूनों पर दस्तखत भी किए। कहा जाता है कि प्रसाद ने सांसदों के लिए संसद में कार्य करने हेतु दिशा निर्देश भी तैयार किए थे, जिनका आज भी पालन होता है। इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1962 में भारत रत्न की पदवी से भी सम्मानित किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कात्यायनी टीवी DID न्यूज टीम की ओर से शत शत नमन। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।